स्टूडेंट, ये हमारा सेकंड लेक्चर है केबल्स और सस्पेंशन ब्रिज पे। हमारा आज का टॉपिक है फोर्सेस ऑन एंकर केबल्स एंड टावर। ठीक है, ड्यू टू द लोडिंग जो टावर है और जो केबल्स है उनमें कौन कौन से फोर्सेस जनरेट होंगे, राइट। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, हमने दो टाइप की हमने सपोर्ट्स की बात की थी, गाइडेड पुली सपोर्ट और सेकेंड था हमारा रोलर सपोर्ट, राइट। तो जैसे कि हमने बात की थी, जो हमारा गाइडेड पुली सिस्टम होता है, ये आपकी पुली है, ये आपकी मेन केबल है, ये आपकी एंकर केबल है। एंकर केबल मतलब जो आपके फाउंडेशन से अटैच होती है। अगर इस पर्टिकुलर केबल का हॉरिजॉन्टल से फोर्स थीटा है और इस पर्टिकुलर एंकर केबल का हॉरिजॉन्टल से फोर्स अल्फा है, ये आपका टावर है, राइट। तो लेट द इंक्लिनेशन ऑफ मेन एंड हॉरिजॉन्टल इज थीटा, यह मैं आपको बता सकती हूँ। एज्यूमिंग पुली एज फ्रिक्शनलेस, हमने एज्यूम किया है कि इस पुली में कोई फ्रिक्शन नहीं है, जैसे ही लोड आता है ये पुली विदाउट एनी फ्रिक्शन मूव करने लगती है, राइट। टेंशन इन एंकर केबल इज टेकन एज सेम एज टेंशन इन द मेन केबल। अगर ये जो आपका पुली सिस्टम है, इसमें जो टेंशन मेन केबल में होगा उतना ही टेंशन जनरेट होगा एंकर केबल में, ठीक है। देयरफॉर वर्टिकल लोड ट्रांसमिशन इन टू द टावर। अब हम बात करेंगे, ड्यू टू दिस टेंसाइल फोर्स इन द केबल्स, आपकी इस टावर्स पर कितना वर्टिकल लोड ट्रांसफर होगा। अब इस पर्टिकुलर जो केबल है, ये आपके हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल लगा रहा है, मैं मुझे वर्टिकल लोड निकालना है, इसको मैं ऐसे रिजॉल्व करूँगी, तो ये होगा टी साइन थीटा, ठीक है। वैसे ही इस एंकर केबल को भी मैं वर्टिकली रिजॉल्व करूँगी, तो ये होगा टी साइन अल्फा। दोनों ही डायरेक्शन एक ही होगी, इसलिए पॉजिटिव होगा। टी मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया टी साइन थीटा प्लस साइन अल्फा। अब हॉरिजॉन्टल लोड ट्रांसमिट टू द टावर, अब हॉरिजॉन्टल फोर्स का कितना ट्रांसमिट हो रहा है, अब मुझे इसको हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व करना है दोनों को, तो ये होगा आपका हॉरिजॉन्टल टी कॉस थीटा, ये होगा टी कॉस अल्फा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस लिया। ये आ गया आपका हॉरिजॉन्टल लोड कितना ट्रांसमिट हो रहा है, टी कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट ऑन द टावर, अब टावर में कितना बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट आपको सिंपली पता है लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वर्टिकल लोड के कारण तो बेंडिंग मोमेंट जनरेट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो तो एक्चुअली लोडेड है। हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण होगा, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी हाइट ऑफ द टावर, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन टावर मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ टावर। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स मल्टीप्लाई, अगर आपकी हाइट ऑफ टावर एच वन है तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा इस पर्टिकुलर टावर में गाइडेड पुली सपोर्ट पे। अब हम बात करते हैं रोलर पुली सपोर्ट की। इन दिस केस द सस्पेंशन केबल एंड एंकर केबल आर कनेक्टेड टू सैडल रजिस्ट ऑन अ टावर, ठीक है। जैसे कि हम देख रहे हैं, ये आपकी सैडल है जिसके नीचे रोलर लगे हैं और ये टावर से कनेक्टेड है, राइट। इन दिस अरेंजमेंट द टू केबल्स नीड नॉट हैव द सेम टेंशन। अभी हमने पुलिस सिस्टम में बात की थी कि जो टेंशन मेन में जनरेट होगा वही एंकर में होगा, बस इस केस में ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर टेंशन टी वन जनरेट हो रहा है तो एंकर केबल में टेंशन टी टू जनरेट होगा, राइट। तो अगर हम बात करें कि हमने एज्यूम किया है कि आपकी जो ये रोलर है, सैडल है, ये फ्रिक्शन लेस है, तो अगर मैं इसको वर्टिकली, देखिए हमने बात की थी कि आपका रोलर सपोर्ट है तो हॉरिजॉन्टल का इफेक्ट होगा ही नहीं, हॉरिजॉन्टल फोर्स को रजिस्ट नहीं करेगा, तो इसमें सिर्फ आपका वर्टिकल फोर्स कितना जनरेट हो रहा है, आप इसको इधर करेंगे तो ये होगा आपका टी कॉस अल्फा इज इक्वल टू टू टी वन। अगर ये आपका टी है तो ये आपका टी वन होगा टी कॉस अल्फा। तो आप इसको कोई भी वैल्यू अगर आपको नहीं पता है तो आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। और वर्टिकल फोर्स कितना जनरेट होगा, टी वन साइन थीटा प्लस टी, वर्टिकल फोर्स होगा, आप इसको इधर रिजॉल्व करेंगे तो टी कॉस थीटा और इधर से आपका टी साइन अल्फा। और अगर ये आपका टी वन है तो
और ये आपका टी है, तो बस आपको नोटिफिकेशन चेंज करने पड़ेंगी क्योंकि इन दोनों केबल पर टेंशन अलग अलग जनरेट होगा, ठीक। और अगर आपको एक पर्टिकुलर साइड का टेंशन पता है और बाकी एंगल पता है तो आप दूसरे केबल में टेंशन कितना जनरेट हो रहा है इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। थैंक यू।